अधिवक्ता तुषार डोगरा ने जारी एक बयान में कहा कि नवंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का राम मंदिर का फैसला सुनाया गया था, जिस फैसले के अनुसार वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण मार्ग प्रशस्त हुआ था। वे फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया गया था। अयोध्या के अंदर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि के समतलीकरण 26 मई से शुरू हो चुका है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा ये आह्वान किया गया है कि पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक गांव व नगर से प्रमुख मंदिरों की मिट्टी, पवित्र नदियों का जल अयोध्या में संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा भिजवाया जाएगा। इसी श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश में भी प्रत्येक जिला में अलग अलग स्थानों से एक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिलासपुर जिला इकाई द्वारा भी यहां के प्रमुख सिद्ध स्थान जैसे श्री नैना देवी माता की मिट्टी, क्षेत्रपाल देवता बाबा नाहर सिंह जी मिट्टी, पवित्र सतलुज का जल, पवित्र मार्कंडेय ऋषि का जल, पवित्र लक्ष्मी नारायण मंदिर की मिट्टी, हनुमान मंदिर की मिट्टी, बाबा बालकनाथ मंदिर की मिट्टी, रुक्मणी कुंड का जल, गोगा जाहरबीर, गढ़वी माता सोहनी देवी घुमारवी, राधे कृष्ण कामधेनु गौशाला सोहनी देवी माता, वैष्णो देवी जी दबोटा, गुगा मरडी, मंगलनाथ तीर्थ भराड़ी, बाबा बालकनाथ मंदिर करियाल, बालकनाथ मंदिर बप्पा, प्राचीन शिव मंदिर घुमारमी, प्राचीन शिव मंदिर अमरपुर आदि का जल व मिट्टी अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र माननीय चंपत राय महामंत्री को भेजा गया। तुषार डोगरा ने कहा कि ये हिंदुओं के लिए स्वाभिमान का विषय है, जिससे लड़ाई को 492 वर्षों से पूर्ण हिंदू समाज लड़ रहा था, वह 77वीं लड़ाई को आज हम जीते हैं। आज हमारी पीढ़ी के लिए ये हर क्षण उल्लास का विषय है कि हम वे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया व उसकी विजय पताका को लहराया। हम लोग वे कार्यकर्ता हैं जो इस मंदिर के निर्माण के बाद उनके दर्शन करने का भी हमारे लोगों को प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला के प्रमुख देवस्थानों की मिट्टी व जल इस मंदिर निर्माण में जब लगेगा तो हमारे जिला के प्रत्येक कार्यकर्ता की सहभागिता वहां सुनिश्चित हो जाएगी। पूर्ण हिंदू समाज के 500 लोगों के द्वारा जब राम मंदिर निर्माण के लिए दान की सुविधा सारे समाज के लिए खोली गई तो 500 करोड़ की धनराशि इन लोगों के द्वारा अभी तक दी जा चुकी है। प्रेषित करने जा रही है, जिसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से माननीय चंपत राय जी, जो अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के हैं, उनके माध्यम से प्रेषित की जा रही है। ये 492 सालों की जो लड़ाई हिंदू समाज ने जीती और 77 युद्ध इसमें लड़कर हमने विजय प्राप्त की है, उस विजय के लिए प्रत्येक हिंदू का, प्रत्येक जगह का जल व मिट्टी से राम जन्मभूमि के निर्माण के अंदर, राम मंदिर के निर्माण में लगे, इस माध्यम से ये विश्व हिंदू परिषद बिलासपुर का ये आज प्रेषित करने जा रहे हैं। लिया गया था कि अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, हम सभी जानते हैं कि 26 मई से वहां पर मंदिर का समतलीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। उस समतलीकरण के कार्य के लिए पूरे भारत वर्ष के पवित्र स्थानों के मंदिर की मिट्टी तथा जल, पवित्र नदियों का, उसी श्रृंखला के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश से भी पवित्र स्थानों का जल व मिट्टी जा रही है। इसी श्रृंखला में बिलासपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा बिलासपुर के विभिन्न स्थानों का, जिस प्रकार से माता श्री नैना देवी की मिट्टी, हमारे क्षेत्रपाल देवता बाबा नारसिंह देवता जी, ऋषि मार्कंडेश्वर जी का जल, हमारे ऐसे विभिन्न प्राचीन रंगनाथ मंदिर हो, चाहे लक्ष्मीनारायण मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, चाहे घुमारवीं क्षेत्र में गुग्गा जाहरवीर का मंदिर हो, चाहे बाबा बालकनाथ तलाई जी का, हर जगह की मिट्टी व पवित्र मिट्टी व जल पर राम मंदिर के निर्माण के लिए लगे, और हर हिंदू का जो सपना 77 लड़ाइयां जीवित उसको जीने का और लड़कर विजय प्राप्त करने का जो सपना हमने साकार किया है, उसमें हम अपनी आहुति प्रदान कर सकें।